111 दिन हो चुके हैं आज आपके धरने को, सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है, किस तरीके से मनवाएंगे आप अपनी मांगों की सरकार से? हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हम कोई बड़ी मांग नहीं मांग रहे हैं, वाजिब छोटी सी मांग है। जैसे मैं एक जालौर का कर्मचारी नागौर के अंदर बैठा हूँ, मेरे पिताजी लकवा से पीड़ित थे आज 15 साल से, और मुझे हर बार दौड़ना पड़ता है, मेरी माँ की घुटनों की बीमारी है, और बहुत से ऐसे भाई हैं जो किडनी से परेशान है, विकलांग भी हो चुके हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, ऐसे बहुत से भाई हैं जिसके माता पिता बीमार है, तो हम कोई मांग नहीं रहे ज़्यादा से, सिर्फ इंट्री डिस्काउंट तबावला मांग रहे हैं, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। अगर उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है तो टाइम बाउंड ले लो आप, जिसे एक साथ आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 10 साल 12 साल 15 साल तक टाइम बाउंड ले लो आप, उस टाइम बाउंड के अनुसार हमें घर भेजा जाए ताकि हम अपने माता पिता की सेवा कर सकते, घर परिवार की देख रेख सकते और निगम प्रशासन की सही सेवा कर सकते। क्योंकि जब घर से कॉल आता है और हमारे भाई लोग परेशान होते हैं, उनका ध्यान रहता है घर के अंदर और सीधे वो तार के अंदर हाथ लगा दे ऑन स्पॉट होते, ऐसे हमारे कई साथी आज दिन तक शहीद हो चुके हैं, और बिजली बोर्ड में शहीद होने से कोई बड़ी बात नहीं होती है, पुलिस प्रशासन के अंदर और आर्मी के अंदर जो शहीद होते हैं ना तो उनके गिने जाते हैं, हमारे कर्मचारी मरते हैं तो बेमतलब के मरे जाते हैं, कोई गिनती नहीं हो रही है उसकी। इसलिए आपसे निवेदन है कि सीएम साहब से कि उनसे कि हमारी मांग को वाजिब मांग है और मेहरबानी करके हमें घर जाने के लिए रास्ता खुला किया जाए। यानी मंत्री अशोक गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की इंटर डिस्कॉम नीति लागू करें, तबादला नीति, अन्यथा इंटर डिस्कॉम कर्मचारी बिजली बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी घर घर से जुड़ा हुआ है और आने वाले चुनावों में आपको इसका खामियाजा बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। पूर्वी राजस्थान में ज़्यादातर कांग्रेस की सीटें, लगभग सभी सीटें कांग्रेस की आती हैं, तो उन पे तो अधिकतर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जल्द से जल्द आप इंटर डिस्कॉम नीति, तबादला नीति लागू करें। 111 दिन से लगातार प्रदर्शन जारी है लेकिन सरकार हमारी कोई भी मांग नहीं सुन रही। हम सरकार को बताना चाहते हैं, आपकी नीतियों के खिलाफ हम प्रचार करेंगे, और मैं जोधपुर डिस्कॉम में नौकरी करता हूं जोधपुर में, अगर गहलोत सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है, मैं बीवी बच्चों के साथ जाकर गहलोत सरकार की रैली में प्रचार करूंगा, उनकी नीतियों के खिलाफ प्रचार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि बिजली घर में हर दिन शहादत होती है, हर दिन मरते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, संख्या नहीं है, और ऐसी कई विधवा महिलाएं हैं जो अपने घर से किलोमीटरों दूर, हजारों किलोमीटरों, 500 किलोमीटर दूर नौकरी कर रही हैं, जिनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हर विभाग में ट्रांसफर हो रहे हैं तो बिजली विभाग में क्यों नहीं? अगर अब भी सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या क्या करेंगे आप? आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने नहीं देखी आज तक, क्योंकि लगातार 111 दिन से हम हमारी एक जायज मांग है, केवल इंटर डिस्कॉम तबादला, जिसके लिए विगत 5 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और सरकार कहीं न कहीं इन हजारों कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इनकी शहादत पे राजनीति कर रही है। ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। मैं एक खुले शब्दों में ये कहना चाहूँगा, गहलोत सरकार यदि हमारे इंटर डिस्कॉम तबादले नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा गहलोत सरकार को हर हाल में या कांग्रेस सरकार को भुगतना होगा। सीधा अल्टीमेटम है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे निगम प्रशासन हो, और ये लेके रहेंगे हम, इनका भ्रम हो तो निकाल देना, आचार संहिता तक तो ये दे दे तो ठीक है, नहीं चुनाव में बीजेपी तो जाने इनका कुछ करेगी नहीं करेगी। इन्होंने जो नीतियाँ बनाई हैं गहलोत सरकार ने कि ये कहते हैं इतने में सिलेंडर दे दिया, इतनी यूनिट फ्री दे दी, हम उन नीतियों के खिलाफ प्रचार करेंगे। आपने कैसे दी और कैसे नहीं दी, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने नहीं हुए, सीधा अल्टीमेटम है निगम प्रशासन को और सरकार को। और जहाँ से सरकार चुन के आते पूर्वी राजस्थान से, जो कैंडिडेट लड़ते हैं चुनाव या जो लड़ने का इच्छुक है, इंटर डिस्कॉम करना पड़ेगा, और यह धरना लगातार सतत चलता रहेगा या नहीं हटेगा।